नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 23 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के लिए आज राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला है। बता दें कि चौथे चरण में राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होना है। अखिलेश जयंत की मीटिंग से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को गंदे कपड़ों के साथ रखा गया। कथित तौर से इसकी वजह से दलित भावनाओं के अपमान की शिकायत को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने SSP को पत्र लिखकर मामले की विस्तृत जांच कराने और वीडियो को फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर तथा लखनऊ में चुनावी सभाएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पीलीभीत को मथेंगे। वह यहां भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। अलीगढ़ के सनसनीगेट थाना क्षेत्र में रविवार रात जमकर हंगामा हुआ। भाजपा की पूर्व मेयर पर लोगों ने बुजुर्ग व्यापारी के साथ गाली गलौज करने और अपने गनर के साथ मिलकर उसे पीटने का आरोप लगाया। इसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने आगरा रोड पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ का राजनीतिक तापमान बढ़ाएंगी। उनका आज लखनऊ में रोड शो हो रहा है। लखनऊ के सभी 9 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के प्रयास में वे 171 किलोमीटर का रोड शो करेंगी। उत्तर प्रदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।